गाइस कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो हम उसके आपको आंसर देने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट कहाँ से करवाया है? तो ट्रीटमेंट मैंने एम्स हॉस्पिटल दिल्ली से करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट कैसे लिया? तो मैंने जो अपॉइंटमेंट था वो ऑफलाइन ही लिया था। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग पीरियड कितना रहा? तो मेरा जो वेटिंग पीरियड था वो 1 ईयर बोला था, और बोला था आपको कॉल करके बुलाया जाएगा, पर वो कॉल करके बुलाया नहीं, मैंने खुद आके चेक करा था, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ? तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले मैंने फॉर्म फिल करा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप रेगुलर आएंगे, आपको जब बुलाया जाएगा तब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दांत निकाले? तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले मेरे 4 दांत निकले, अपर टीथ के 2 निकले और लोअर टीथ के 2 निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर हुआ? तो ट्रीटमेंट जब मेरा स्टार्ट हुआ था तब दांत निकाले तो तब भी डर हुआ, इंसिन लगाई तब भी डर हुआ, ब्रेसलेट लगाई तब भी डर हुआ, और ब्रेसलेट चेंज हुए तब भी डर हुआ, रिटेन करने तब भी डर हुआ। तो जैसे कि नॉर्मल होता है चीज़ें, मतलब आपको आदत पड़ जाती है ब्रेसेस की, तो आपका नॉर्मल हो जाता है और डर कम हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर कैसे? हाँ, डॉक्टर बहुत फ्रेंडली है, वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आपकी चीज डेट पर बीजी है तो वो आपकी डेट चेंज भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेसेस कौन से थे? तो ब्रेसेस मेरे वायर वाले थे, ट्रांसपेरेंट वाले भी लगवा सकते हैं, पर ट्रांसपेरेंट वाले रिटेनर्स की तरह होते हैं, आपको बार बार चेंज करने पड़ते हैं और दर्द दोनों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेसेस का कॉस्ट कितना था? तो ब्रेसेस का जो कॉस्ट था वो 4,000 to 5,000 था। और आपको टाइम कितना लगा? मेरे को ब्रेसेस का पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में 1.5 ईयर लगा। और रिटेनर्स का टाइम कितना था? तो रिटेनर्स का जो मैंने टाइम बोला 1 ईयर बोला है पूरा कंप्लीट होने के लिए, और आपने रिव्यू के लिए आई हुई हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट के समय आपने क्या क्या खाया? तो ट्रीटमेंट के ऑलमोस्ट मैंने 4 मंथ लिक्विड ही खाया, 4 to 3 मंथ मैंने लिक्विड ही खाया, क्योंकि हर चीज खा नहीं पाते थे, ज़्यादा दर्द हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कितने सेटिस्फाइड हो अपने ट्रीटमेंट से? तो मैं बोल रही हूँ सेटिस्फाइड हो अपने ट्रीटमेंट से, तो मैं आपको पिक्चर में शो कर दूँगी कि मेरे दांत पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो काफ़ी अच्छा था मेरा ये ट्रीटमेंट बेसिस के बारे में। आई होप आपको मेरा आंसर अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। बाय।